हेलो दोस्तों, इसके इंग्लिश कनेक्शन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने डे फर्स्ट की वीडियो में देखा था कि 6 से 12 तक की क्लासों को डे टू वीडियो से स्टार्ट करेंगे, तो हम पहले 6 से 8 तक की क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 6 से 8 तक की क्लास में देख लेते हैं कि फर्स्ट चैप्टर का कौन सा नाम है। तो देखते हैं, नंबर एक पे है अल्फ़ाबेट। आप जानते हैं अल्फ़ाबेट में आखिर होता क्या क्या है। अगर हमको थोड़ी सी भी इंग्लिश नहीं आती है, जैसे किसी इंग्लिश शब्द को पढ़ना या इंग्लिश शब्द को लिखना या किसी भी हिंदी वर्ड को इंग्लिश में लिखना या पढ़ना नहीं आता है, तो हम अल्फ़ाबेट में सभी को सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ाबेट, जिसे हिंदी में वर्णमाला कहते हैं, आ से आ तक जो भी होते हैं उसको स्वर कहते हैं, जो मात्राओं का काम करते हैं, और क से ज्ञ तक जो होते हैं इन सभी को व्यंजन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मात्राओं का काम कैसे करता है। जैसे हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखा है सीता, अप सा में बड़ी की मात्रा लगा है और ता में बड़ा का मात्रा लगा है। वैसे ही हमें किसी भी शब्द को बनाना है तो स्वर का यूज होता है। इसी प्रकार इंग्लिश में भी स्वर और व्यंजन होते हैं, तो आइए उनको देख लेते हैं। इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं जिसे वॉल्स कहते हैं, और जो बचा रहता है उसको व्यंजन कहते हैं। इंग्लिश में भी स्वर उसी तरह काम करता है जैसे हिंदी में स्वर काम करता है मात्राओं का, वैसे इंग्लिश में भी स्वर मात्राओं का काम करता है। अब हम एक एक चीज़ की मात्राओं को समझेंगे। अब हम हिंदी के वर्ड को समझेंगे कि इनका इंग्लिश में क्या अर्थ रहता है। अगर आ है तो इसका इंग्लिश में ए रहेगा, अगर बड़ा है तो उसका इंग्लिश में डबल ए या तो ए रहेगा, अगर ई है तो उसका आई रहेगा, अगर बड़ी है उसका डबल ई या तो वाई या तो आई रहेगा, अगर छोटा हुआ है तो उसमें ऊ रहेगा, और बड़ा हुआ है तो उसमें डबल ओ या तो यू रहेगा, अगर छोटा ए है तो इसमें ई रहेगा, और बड़ा ए है तो उसमें ए और आई रहेगा, ओ है तो उसमें ओ रहेगा, बड़ा ओ है तो उसमें ए यू रहेगा, अंग आए तो इसमें ए एन रहेगा, आहा है तो उसमें ए एच रहेगा। इसी तरह इसमें भी है व्यंजन में, अगर का है तो उसमें के रहेगा, अगर खा है तो उसका के एच रहेगा, अगर गा है तो उसका जी रहेगा, और अगर घा है तो उसका जी एच रहेगा, अंगा है तो उसका यन रहेगा। वैसे इसमें भी है, अगर चा है तो सी एच रहेगा, छा है तो सी एच सी डबल एच रहेगा, जा है तो जे रहेगा, झा है तो जी एच रहेगा, यहाँ है तो यन रहेगा, टा है तो टी रहेगा, ठा है तो टी एच रहेगा, डा है तो डी रहेगा, ढा है तो डी एच रहेगा, आड़ा है तो यन रहेगा। और ता था दा धा ना, इसमें भी सेम प्रोसेस वही है। इसमें भी जो ता से लेके आड़ तक है वैसे ही इसमें भी ता से लेके ना तक रहेगा। जैसे ता का हो गया ती, जैसे ता का हो गया टी, था का हो गया टी एच, दा का हो गया डी, धा का हो गया डी एच, ना का हो गया एन। वैसे ही पा का देखते हैं, पा का पी है, फा का पी एच या तो एफ रहेगा, अगर बा है तो इसमें बी रहेगा, भा है तो बी एच रहेगा, अगर माँ है तो यम रहेगा। वैसे ही अगर या है तो वाई रहेगा, रा है तो आर रहेगा, ला है तो यल रहेगा, वा है तो वी या तो डब्लू रहेगा, शा है तो यस एच रहेगा, ऐसा है तो यस एच रहेगा, ए वाला सा है तो इसमें यस रहेगा, हा है तो यश रहेगा, छा है तो के एस एच रहेगा, त्रा है तो टी आर ए रहेगा, और ग्या है तो उसमें सेम हुई ग्या का जी वाई ए रहेगा। हमको इंग्लिश सीखना है तो इसको याद करना पड़ेगा, तभी हमको आगे वाला आएगा। अब जैसे कभी कभी ये वर्ड भी मिल जाते हैं जिनका हमको इंग्लिश नहीं पता रहता है, जैसे ऋषि है तो इसमें कभी कभी आर आई रहता है और कभी एच आर आई भी रहता है। जैसे अगर है पित्र तो
तो पितृ में देखिए ऋषि का प्रयोग होता है, यह मात्रा लगी रहती है, जिसे गृह लिखा है गृह में भी इसका प्रयोग होता है, और जैसे ये एच आर आई जो है जैसे कभी कभी हम लिखते हैं ऋतिक, तो ऋतिक में भी इसका प्रयोग होता है। और यह ढा है, इसमें कभी कभी डी एच का प्रयोग होता है, कभी आर एच का प्रयोग होता है। जैसे हम लिखते हैं प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ में आर एच का प्रयोग होता है लास्ट में। जैसे देख लेते हैं अंगा को, कभी कभी इसमें भी डी का प्रयोग होता है, कभी कभी आर का प्रयोग होता है। अस्त्रा को देख लेते हैं, जैसे इसमें यस एच आर है, या है इसमें जेड का प्रयोग होता है। अगर यहाँ पर यह बंदी लगी है तो इसमें जेड का प्रयोग होगा, अगर ये वाला जहाँ तो इसमें जे का प्रयोग होगा। यहाँ पर देखिए जैसे आ है, जो बिंदी लगी है इसमें जैसे बिंदी लगी है, यह रहेगा तो इसमें डबल ए और एन का प्रयोग होगा। आ है उसमें कभी कभी ओ का प्रयोग होता है। यह सब हम आगे चल के समझ जाएंगे। अब देखते हैं बारह खड़ी। दोस्तों आप लोगों ने तो बारह खड़ी का नाम सुना ही होगा, जिसमें हम हिंदी के स्वर और व्यंजन को जोड़कर लिखते हैं, जिससे हमको हिंदी के वर्ड को इंग्लिश में लिखने में आसानी रहती है। जैसे यहाँ पर देखिए का है तो इसमें आ है, तो का कके ही रहेगा। इसमें देखिए का है, इसमें बड़ा का मात्रा लगा है, इसमें देखिए का कके हो गया, जो बड़ा का मात्रा लगा है इसमें इसका डबल ए हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि का कके हो गया, छोटी की मात्रा है इसमें इसका आई हो गया, का काका हो गया, बड़ी की मात्रा है इसमें इसलिए डबल ही रख जाएगा। अब यहाँ देखिए कु है, तो कु में का कके हो गया और छोटी की मात्रा है इसलिए यहाँ पर एक छोटी की मात्रा में यू है, यहाँ पर यू हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कु है, तो का कके हो गया, बड़ा की मात्रा है इसलिए यहाँ पर देखिए डबल ओ है, यहाँ पर भी डबल ओ हो जाएगा। के है, के का के हो गया। अब यहाँ देखिए छोटे की मात्रा में ई लगा है, यहाँ पर भी ई लग जाएगा। यहाँ देखिए कै है, तो का के हो गया, डबड़िए की मात्रा का ए आई है, यहाँ पर हो जाएगा ए और आई। को है, के का के हो गया, यहाँ देखिए इस मात्रा का ओ हो गया। अब यहाँ देखिए कौ है, के का के हो गया, बड़ा ओ का हो गया, ए यू हो गया। यहाँ देखिए का के हो गया, अंक का मात्रा जो लगा यहाँ पर इसका एन हो गया, यहाँ पर भी एन हो गया। अब यहाँ पर देखिए कहा है, का के हो गया, जो मात्रा है आह इसका हो गया ए एच। इसी तरह हम का से लेकर ज्ञा तक के सभी को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम हिंदी के अक्षरों को इंग्लिश में लिखना सीखेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं चरण, अगर इसको हम वर्ड के मीनिंग के हिसाब से लिखेंगे तो चा का सी एच हो जाएगा, रा का आर हो जाएगा, आड़ का एन हो जाएगा। पर ये दोस्तों सही नहीं है, इसको लिखने का भी एक तरीका होता है, जैसे इसको हम संधि विच्छेद करके समझेंगे। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं च आ रा आड़ा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आ क्यों लगा है और रा में आ क्यों लगा है, आड़ा में आ नहीं लगा है। दोस्तों अगर किसी भी व्यंजन के आगे मात्रा स्वर अगर नहीं लगा है तो उसमें अक्सर आ का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देखिए चा के आगे कोई स्वर नहीं है तो इसमें आ का प्रयोग होगा, रा के आगे भी कोई स्वर नहीं है, मात्रा नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी आ का प्रयोग होगा। और आड़ा में देखिए कोई भी आड़ा जो होता है लास्ट में होता है, लास्ट में कोई भी आ का मात्रा नहीं लगता है। अगर कोई भी अक्षर आए अगर उसमें व्यंजन के आगे कोई मात्रा नहीं लगी है, स्वर नहीं लगे हैं, तो उसमें आ का प्रयोग होता है, और जो लास्ट का अक्षर रहता है उसमें आ का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ हम लिखते हैं चा का, और यहाँ पर देखिए चा का है सी एच, आ का हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर ये है, आ का हो जाएगा आर, आ का हो जाएगा ए, ये देखिए आड़ा का हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यन, ये हो गया चरण।
ये स्पेलिंग सही है। जैसे अब दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे लिखते हैं छल्ला। अब इसको भी करने के लिए हम पहले करेंगे संधि विच्छेद, जैसे आप देखिए छा है, छा है तो उसको छा लिख देंगे। अब इसके आगे देखिए कोई स्वर नहीं लगा है, कोई मात्रा नहीं है, इसलिए इसमें आ का प्रयोग होगा। फिर प्लस, अब दोस्तों अगर जैसे अगर व्यंजन में आधा शब्द है, जैसे आधा ला है, यहाँ पर देखिए छल्ला, अगर आधा ला है तो उसमें आ का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे अब यहाँ आधा ला है तो यहाँ पर केवल आधा ला लिख देते हैं, प्लस यहाँ पर ला, यहाँ पर आधा ला रहेगा, इसमें कोई आ का मात्रा नहीं लगेगा। अगर व्यंजन कोई भी व्यंजन है उसमें अगर आधा अक्षर है तो उसमें आ का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए अब यहाँ पर लिख देते हैं, इसको लिखते हैं छा का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सी डबल एच लिख देते हैं, आ का हो जाएगा ए, आधा ला का हो जाएगा पूरा, आधा ला हो या पूरा ला उसका यल ही होता है। यहाँ पर ला का हो जाएगा फिर से यल, अब आ का मात्रा हो जाएगा ए, यह हो गया छल्ला। यहाँ पर हम डबल ए भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, दोनों सही रहेगा। अब देखते हैं नंबर तीन, नंबर तीन पे लिखते हैं चाणक्य। हम इनको भी संधि विच्छेद करके समझेंगे। अब जैसे इनको करते हैं संधि विच्छेद, तो चा कहा गया चा, इसमें आ का मात्रा, इसलिए इसमें आ का मात्रा लिख देते हैं आड़ा। अब इसमें देखिए कोई भी स्वर नहीं लगा है, मात्रा नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्लस आ करेंगे। फिर प्लस, अब इसमें देखिए आधा का है, इसलिए यहाँ पर आगे आ का प्रयोग नहीं होगा, केवल आधा का रहेगा, आ का प्रयोग नहीं होगा। प्लस या दोस्तों एक बात और आपको बता दूँ, जैसे अगर किसी भी वर्ड के अगर लास्ट में या है तो उसमें ज़्यादातर आ का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए चाणक्य में लास्ट में या है तो इसलिए यहाँ पर आ का प्रयोग होगा। केवल अगर लास्ट में या है तो उसमें ही आ का प्रयोग किया जाता है, नहीं तो आ का प्रयोग नहीं किया जाता है लास्ट में। अब इसको देखते हैं छा का हो जाएगा सी एच, आ का मंत्र के हो जाएगा, आड़क हो जाएगा यन, आ का हो जाएगा ए, फिर देखिए का है, का हो जाएगा के, या का हो जाएगा या वाई, आ का हो जाएगा ए, यह हो गया चाणक्य। इसी तरह दोस्तों हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यह आपको कठिन लग रहा होगा पर यह एकदम आसान है, आगे चल के आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। अब लेते हैं दूसरा एग्जांपल, जैसे लेते हैं विक्रमादित्य। अब इसको भी संधि विच्छेद करके समझेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए वा में छोटी की मात्रा लगा है, इसलिए इसमें आ का प्रयोग नहीं होगा। प्लस का में भी देखिए मात्रा लगा है क्रा में, इसलिए इसका इसमें भी आ का प्रयोग नहीं होगा। इसमें देखिए माँ में तो लगा है पहले से ही, इसमें माँ हो जाएगा। दा में भी आधा लगा है मात्रा, इसमें आ का प्रयोग नहीं होगा। प्लस अब यहाँ देखिए आधा ता है, इसलिए इसमें भी आ का प्रयोग नहीं होगा। प्लस या अब इसमें देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर लास्ट में या रहेगा तो उसमें ज़्यादातर आ का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर भी आ का प्रयोग किया जाएगा। अब इसको लिखते हैं स्पेलिंग इसके, हुई हुआ का पहले लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए हुआ का हुई या तो डब्ल्यू कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें लिखते हैं हुई। इस मात्रा का हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आई है, यहाँ पर देखिए का है करा। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर अगर त्रा है, जैसे यहाँ त्रा है, त्रा का टी, ता का टी हो गया, रा का आर हो गया, वैसे अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं, अगर ग्रा गा लिख देंगे, ग्रा लिख देंगे, उसी तरह यहाँ पर गा का जी हो जाएगा, रा का आर हो जाएगा। वैसे इप्रा लिख देंगे तो पी का पी हो जाएगा, रा का आर हो जाएगा। वैसे यहाँ पर भी क्रा है, का लिख देंगे के, रा का हो जाएगा आर ए। अब यहाँ पर देखिए माँ आ गया, यहाँ पर देखिए माँ का हो जाएगा यम, आ का मात्रा जिसमें लिख देते हैं ए,
अब यहाँ पर द पहले लिखेंगे द, यहाँ पर देखिए द का हो जाएगा डी, छोटी की मात्रा है इसलिए यहाँ पर देखिए छोटी की मात्रा का हो जाएगा आई, आसत आ इसलिए यहाँ पर लिखेंगे टी, यह है यहाँ पर यह होगा वाई लिख देंगे, आ का लिख देंगे ए, ये हो गया विक्रमादित्य। दोस्तों ये बहुत आसान है, इसी तरह हम किसी भी वर्ड को बना सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों नंबर पाँच देखते हैं, जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें लास्ट में यह होता है, लेते हैं क्षत्रिय, इसको भी संधि विच्छेद करेंगे, छ है, छ में देखिए कोई भी स्वर नहीं लगा इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया जाएगा आ, यहाँ पर देखिए प्लस त्री, त्रा में लगा है मात्रा इसलिए यहाँ पर आ का प्रयोग नहीं होगा, प्लस यहाँ पर देखिए या है, अब मैंने आपको बताया है कि अगर या है लास्ट में तो उसमें आ का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं आ, अब इसको लिखते हैं, ये देखिए छ का हो जाएगा के यस यच, ये देखिए यहाँ पर है के यस यच, ये तो यक्स लिख सकते हैं, आ का ये हो गया त्री, यहाँ पर त्रा का लिख देते हैं, पहले यहाँ पर देखिए त्रा का है टी आर ए, यहाँ देखिए छोटी की मात्रा इसमें हो जाएगा आई, या का हो जाएगा वाई, आ का हो जाएगा ए, ये हो गया क्षत्रिय। दोस्तों इस तरह हम दूसरा देखते हैं एग्जांपल, जैसे हम लिखते हैं अमरजीत, इसको भी संधि विच्छेद करके लिखेंगे, यहाँ पर देखिए आ केवल आ है तो इसमें आ ही रहेगा, इसमें कोई मात्रा नहीं है, अगर आ की जगह का होता तो इसमें आ का प्रयोग होता, पर ये पूरा आ ही आ गया इसलिए यहाँ पर आ का प्रयोग नहीं होगा। देखिए माँ है, अब इसमें देखिए कोई स्वर नहीं है, इसमें आ का प्रयोग होगा, प्लस रा है। दोस्तों इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर जैसे कोई भी अक्षर लिखा है अगर वो दो वर्ड से जैसे बना होता है तो उसमें लास्ट वाले में प्रयोग नहीं होता है आ का प्रयोग, जैसे देखिए इसमें अमर अलग है और जीत अलग है, इसलिए इसमें रा में आ का प्रयोग नहीं होगा, और फिर जी का जी हो जाएगा, प्लस लास्ट में ता है तो इसमें ता लिख देंगे, अगर यह होता तो यहाँ पर आ का प्रयोग होता, ता है इसमें आ का प्रयोग नहीं होगा। दोस्तों ध्यान देना, अगर कोई भी जैसे वर्ड है अगर दो अक्षरों से मिलकर बना है जैसे तो उसमें लास्ट वाले में आ का प्रयोग नहीं होता, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं लाल जीत, उसमें भी लाल के जो लास्ट में ला है उसमें भी आ का प्रयोग नहीं होगा, उसी तरह ये भी रहेगा, आ का हो जाएगा ए, माँ का हो जाएगा यम, आ का हो जाएगा ए, आर का हो जाएगा आर, यहाँ पर देखिए जे, जा का पहले देख लेते हैं, जा का देखिए यहाँ पर जे है, बड़ी की मात्रा है यहाँ पर देखिए, बड़ी की मात्रा में डबल ई वाई है तो वाई हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम डबल ई लिख लेते हैं, ता इसमें हो जाएगा टी, ये हो गया अमरजीत। दोस्तों इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं सातवां, अब लिखते हैं इसमें करण, अब करण को भी संधि विच्छेद कर लेंगे, का है प्लस, अब इसमें आगे कोई स्वर नहीं है मात्रा नहीं है इसमें आ का प्रयोग होगा, प्लस अब राम है, देखिए राम अभी कोई स्वर नहीं है इसमें भी आ का प्रयोग होगा, प्लस ना, ना में अगर यहाँ पर या होता तो आ का प्रयोग होता पर ना है इसे आ का प्रयोग नहीं होगा। अब इसमें लिखते हैं का कहा जाएगा के, आ कहा जाएगा ए, आर कहा जाएगा आर, आ कहा जाएगा ए, ना कहा जाएगा यन, यह हो गया करण। अब देखते हैं नंबर आठ, नंबर आठ लिखते हैं सचिन, अब इसको देखते हैं संधि विच्छेद करके, सह अब इसमें देखिए आगे कोई भी स्वर नहीं है मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ पर भी आ का प्रयोग होगा, प्लस ची लिख देंगे पूरा, प्लस ना,
अब यहाँ पर आ का प्रयोग नहीं होगा तो आपको पता ही है। सा का लिख देते हैं यस। यहाँ पर देखिए सा है, इसका यस है। अगर ये वाला सा होता और ये वाला होता इसमें यस यश का प्रयोग होता, पर ये वाला इसलिए यहाँ पर यस का प्रयोग होगा। प्लस आ है इसमें तो ए रहेगा। चा का पाई लिख लेंगे सी यच, ये छोटी की मात्रा आ जाएगी, इसके लिखेंगे यहाँ पर देखिए आई है। प्लस ना लिख लेंगे, यन का ना होता है। यह हो गया सचिन। वैसे ही हम लिखते हैं नंबर नौ। जैसे हम लिखते हैं लक्ष्मी, इसको भी संधि विच्छेद करके समझेंगे। ला काला हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए कोई मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ पर भी या का प्रयोग होगा। प्लस यहाँ पर देखिए छा है, इसमें आधा छा है इसलिए यहाँ पर छा आधा छा लिख देते हैं। प्लस इसमें आ का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये आधा आधा अक्षर है। प्लस पूरा मी लिख देते हैं। अब इसको देखते हैं ला का हो जाएगा यल, यहाँ पर देख लीजिए ला का यल है। आ का आपको पता ही है ए होगा। ये देखिए आधा अक्षर है, इसमें मैंने आपको बताया था या तो के एस एच होता है या तो यक्स, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं यक्स। मी है, इसमें मी का यम हो जाएगा, बड़ी की मात्रा यहाँ, तो यहाँ पर देखिए डबल ई वाई आई, तीनों में से हम कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं आई। यह हो गया लक्ष्मी। लिखते हैं नंबर दस। जैसे लिखते हैं हम पंखा, जैसे इसका संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें हो जाएगा प का हो जाएगा प। प्लस इसमें देखिए इसमें मात्रा लगी है इसलिए इसमें आ का प्रयोग नहीं होगा। अब यहाँ पर यह मात्रा लगी इसलिए यहाँ पर आगे हम लिख देते हैं यह मात्रा ये वाला। प्लस खा है, पूरा खा जाएगा। अब इसको करते हैं पा का हो जाएगा पी। अब ये देखिए यह अंग वाला मात्रा है, इसका देख लेते हैं क्या होता है स्पेलिंग। यहाँ पर देखिए ये मात्रा हो जाएगा, यहाँ पर इस मात्रा हो जाएगा ए एन, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए एन। अब यहाँ पर देखिए खा है, खा का होता है के एच, यहाँ पर आ का मात्रा इसमें लिख लेते हैं ए। यह हो गया पंखा। इसमें जो है डबल ए लिखे तो ए लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, सही रहेगा। देखते हैं हम नंबर ग्यारह। नंबर ग्यारह पे हम लिखते हैं ऋतिक। अब इसको लिखते हैं संधि विच्छेद करके। पहले यहाँ पर हो जाएगा री। प्लस अब यहाँ पर देखिए इसमें री का मात्रा लगा है इसलिए यहाँ पर आ का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं ये ऋतिक हो गया, री हो गया। अब यहाँ पर लिख देते हैं ती। प्लस अब इसमें देखिए लास्ट में का है इसलिए यहाँ पर का ही रहेगा, आगे प्रयोग नहीं होगा इसमें। पहले देख लेते हैं री की मात्रा क्या होगा। जैसे देखिए मैंने आपको बताया था अगर ये री आ जाए तो आर आई का भी प्रयोग किया जाता है, एच आर आई का प्रयोग किया जाता है और एच आर आई का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एच आर आई। अब यहाँ पर हो गया एच आर आई। अब यहाँ पर ता का हो जाएगा टी, छोटी की मात्रा यहाँ पर हो जाएगा आई, का हो जाएगा के। ये हो गया ऋतिक। दोस्तों ये बहुत आसान ही है, एकदम आसान है, आप लोग एक बार पढ़ लो बस, एकदम आसान है। अब देखते हैं नंबर बारह। जैसे हम लिखते हैं महंगा, इसको भी संधि विच्छेद कर लेंगे। माँ का हो जाएगा माँ। प्लस इसमें माँ में कोई भी स्वर नहीं है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आ का प्रयोग। प्लस हा है, हा आ जाएगा, यहाँ पर देखिए हा कहा आ गया। प्लस इसमें भी आ का मात्रा है, यहाँ पर लिख लेंगे मात्रा लिख लेते हैं आप। प्लस गा पूरा लिख लेते हैं। दोस्तों संधि विच्छेद आपको समझाने के लिए किया गया है, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं उसको।
माँ का हो जाएगा, यहाँ पर देखिए माँ का हो जाएगा यम, आ का हो जाएगा ए, हा का हो जाएगा यच। अब ये इस मात्रा के बारे में हमने आपको बताया था, इस मात्रा के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके मात्रा के लिए, इस मात्रा के लिए एन का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। फिर आएगा गा, गा का जी, आ का मात्रा का हो जाएगा ए, ये हो गया महंगा। और नंबर 13 देखते हैं, नंबर 13 हम लिखते हैं जमदिग्न, इसमें लिखते हैं जा का हो जाएगा जा प्लस, इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसमें आ का प्रयोग होगा प्लस माँ, और इसमें भी कोई मात्रा नहीं इसलिए इसमें भी आ का प्रयोग किया जाएगा प्लस वो दी लिख लेंगे प्लस आधा गा, इसलिए यहाँ पर आधा गा लिख देंगे, इसमें आ का प्रयोग नहीं किया जाएगा प्लस ना। अब इसकी स्पेलिंग लिखते हैं जा का हो जाएगा जे, आ का हो जाएगा ए, माँ का हो जाएगा यम, आ का हो जाएगा ए, दी का हो जाएगा दा का डी, छोटी मात्रा का आई हो जाएगा ए, गा है इसका हो जाएगा जी, ना का हो जाएगा यम। यह हो गया जमादिग्न। अब लिखते हैं नंबर 14, इसमें लिखते हैं वर्षा, जैसे व का हो जाएगा व प्लस, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं इसलिए यहाँ पर आ का प्रयोग किया जाएगा प्लस पूरा सा लिख देंगे। अब दोस्तों देखते हैं वर्षा का, व का हो जाएगा वी, आ का हो जाएगा ए। अब इसमें देखिए इसको पढ़ते हैं, जब हम तो कैसे पढ़ते हैं वर सा, तो यहाँ पर देखिए पहले वा के बाद आता है रा वर, तो यहाँ वर के बाद यहाँ लिख देते हैं रा वर। अब यहाँ पर देखिए सा का हो जाएगा यस यच, यहाँ सा का हो जाएगा यस यच, लिखते हैं यस यच। शा का हो जाएगा ए, ये हो जाएगा वर्षा, लिखते हैं नंबर 15। इसमें लिख लेते हैं हम जैसे बारिश, अब यहाँ पर देखिए बारिश के लिए भी बा का हो जाएगा बा प्लस, इसमें आ का मात्रा लगा इसलिए यहाँ पर आ का प्रयोग नहीं होगा, इसमें लिख देते हैं री, इसमें भी देखिए छोटी की मात्रा लगा है इसलिए यहाँ पर भी नहीं प्रयोग होगा आ का, यहाँ पर लिख देते हैं सा। अब इसको लिखते हैं बा का हो जाएगा बी, आ का हो जाएगा ए, यहाँ पर देखिए जहाँ डबल ए लिखे हैं तो ए लिखे हैं, बात वही है, ये हो गया बा। हरी का हो जाएगा आर, छोटी मात्रक हो जाएगा आई, ये देखिए सा का मैंने आपको बताया था कि ये वाला शा है, शा के लिए यस यच प्रयोग होगा, ये हो जाएगा बारिश। अब नंबर 16 देखते हैं, इसमें लिखते हैं जैसे हम सुमित, सा का हो जाएगा सा, इसमें देखिए छोटी की मात्रा है इसलिए यहाँ पर आ का प्रयोग नहीं होगा प्लस मी प्लस ता रहेगा, अगर यहाँ पर ता की जगह या होता तो एक आ का प्रयोग होता पर यहाँ पर आ नहीं इसलिए आ का प्रयोग नहीं होगा। अब इसको लिखते हैं सु का हो जाएगा यस, देखिए छोटी का मात्रा है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा यूं, यहाँ पर देखिए यूं है, मी है, मी में हो जाएगा यम आई, माँ का हो गया यम, छोटी का हो गया आई। अब यहाँ पर लिखते हैं ता, ता का हो जाएगा टी, ये हो गया सुमित। इसी तरह से हम लोग सभी हिंदी के अक्षरों को इंग्लिश में लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को
समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके पार्ट टू वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी इंग्लिश वर्ड को किस प्रकार पढ़ा जाता है। कुछ लोग जैसे बुक को पढ़ते हैं पर सही से नहीं पढ़ पाते हैं। मैं डे टू के पार्ट टू वीडियो में आपको इंग्लिश पढ़ने का सही तरीका बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नया आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट टू में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।